एम्परर की लाइफ दिखाई है, जो बाटर सिस्टम दिखा है, ट्रेडिंग सिस्टम दिखा है। करना इसके अब, इसके अब, इसके अब। अरे करना रुक अभी वापस से। भगत ताराचंद के यहाँ पे रुके ब्रेक के लिए, और हम लोग का नाश्ता हो चुका है। तो मस्त ट्रैफिक है आज, मस्त बारिश है और रास्ते भी मस्त है और एकदम रास्ते खुले हैं, बड़े बड़े गड्ढे हैं और एक दूसरे को सब गाड़ियाँ ठोक रही है। तो हम लोग एडवेंचरस डे है। हम लोग नासिक इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने जो एक्सप्लोर नहीं किया है तो वो हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। कॉइन म्यूजियम 12:45 को पहुंच चुके थे। पंचवटी इलाइट एक वही होटल बुक किया जो गए टाइम किया था। पहले हम लोग ने क्लिक होटल बुक किया बट हाईवे पे था और नासिक के अंदर जाने के लिए ऑलमोस्ट 16 मिनट डिस्टेंस था, तो एक इजी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी। इसलिए हम लोग ने सोचा कि लास्ट टाइम जो बुक किया था वही बुक करेंगे। तो फ्रेश होने के बाद अभी हम लोग आए हैं कॉइन म्यूजियम में, जो कि पंचवटी इलाइट इन से ऑलमोस्ट 27 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। अगर आपको वहाँ से यहाँ पे आना है तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन लेना होगा या तो फिर अपने प्राइवेट गाड़ी से आप आ सकते हो। इसके बारे में मैंने ऐसे सुना है कि जो हिस्ट्री में या एशियंट एजेस में जो भी कॉइन्स यूज किए थे वो सारे कॉइन्स हमें इधर नजर आएंगे। तो देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। पहला सेशन है वो स्टोनेज मैन के रिलेटेड है, जो वो स्टोन्स के मदद से वेपन्स बनाते थे हंटिंग के लिए। स्टोनेज मैन के बाद सिविलाइजेशन पे आ गए थे, तभी उन्होंने बनाए हुए मिट्टी से वेसल्स और ये ऑर्नामेंट्स है। सिविलाइजेशन में आने के बाद उन्होंने सब स्टोन में जो बनाया था वो आयरन में भी कन्वर्ट करने लगे, यानी कि उन्होंने अपना कल्चर छोड़ा नहीं। वो सारे यूटेंसिल्स और वेपन्स ये आयरन में बनाना शुरू कर दिया। जैसे हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था कि पहले एशियंट ज़माने में बाटर सिस्टम होता था, तो आज मैं वो बाटर सिस्टम फील कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि अगर कोई चीज़ हमें ख़रीदनी है तो उसके एक्सचेंज में लेदर बिड्स या ग्रेन्स ऐसे देने पड़ते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने दिखाया कि तराजू में ग्रेन्स दे रहे और उसके अगेंस्ट ये वेट का दिया हुआ है। तो इस तरीके से बाटर सिस्टम मनी टू मनी होता था,
और उसी को ही मनी वो बोलते थे। जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ता गया, कॉइन्स आने लगे इस तरीके से, जो कि एकदम स्टोन जैसे दिख रहे, बट दे आर कॉइन्स। ये स्टोन जैसे दिख रहे बट है तो कॉपर। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ती गई, बार्टर सिस्टम से हम लोग आगे बढ़े कॉपर कॉइन के लिए, और उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया गोल्ड कॉइन। अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सारे के सारे उस ज़माने के गोल्ड कॉइन्स हैं। अब ये क्योंकि ये हज़ारों सालों से आ रहा है और ये म्यूजियम में रखा गया है, ये थोड़े काले पड़ गए, लेकिन ये उस ज़माने के गोल्ड कॉइन्स हैं। इन इमेजेस में आपको पता लग जाएगा कि किस तरह से ये लोग कॉइन को बनाते थे। ये कॉइन्स मुगल एम्पायर के पीरियड के हैं। अगर आप इन कॉइन्स को ऑब्जर्व करोगे तो इन कॉइन्स की साइज और थिकनेस अलग है पहले कॉइन से, और यहाँ इसके ऊपर जो टेक्स्ट है वो पूरा उर्दू में लिखा हुआ है। मुगल एम्परर के बाद जब पेशवाओं को इंडिपेंडेंस मिला, ये तब के कॉइन्स हैं। अगर आपने ये वीडियो शुरू से देखा है तो आपने एक चीज़ तो नोटिस की होगी, धीरे धीरे कॉइन्स पे जो लिखावट है वो चेंज होती जा रही है। शुरू के कॉइन्स और अभी के कॉइन्स, अभी के कॉइन्स आप देखो ध्यान से, ये 50 रुपये का इतना बड़ा कॉइन, 10 रुपये का, ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में देखने, 100 रुपये का भी कॉइन है ये देखिए। ये कॉइन्स अपने 90s के बचपन वाले कॉइन्स हैं। ये अपनी करंट करेंसी। अब तक आपने सारे कॉइन्स देखे, आप देखिए उस जमाने के नोट्स। नोट का साइज तो देखिए, इतने बड़े बड़े होंगे, आजकल के वॉलेट में फिट नहीं होंगे। 10 रुपये का नोट है, 1 रुपये का है, रुपी टू आना 5 रुपये। ये शिवाजी महाराज के ज़माने के पगड़ियाँ हैं जो राजा महाराजाओं ने पहनी थी। ये ट्राइबल आर्ट है, क्राफ्ट ट्रेडिशनल है, जो उस वक्त लोग इनको फॉलो करते थे। ये ब्रॉन्ज स्टैचूज है जो पोइट्री डिफाइन करते हैं मेटल फॉर्म में। ये है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट।
ये शॉट देखने के बाद आपको पता चलेगा हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है। अब देखिए जिस तरह की धरोहर और नेचुरल रिसोर्सेज हमारे देश में हैं, शायद ये किसी और देश में होगा। तो दोस्तों ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है हम सभी के लिए और हमें ये सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना चाहिए और हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन को इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना चाहिए। तो ये था कॉइन म्यूजियम जहाँ पे हमने स्टोन एज मैन से कॉइन सिस्टम देखे हैं। स्टोन एज मैन का पढ़ के बचपन की याद आ गई जहाँ पे हम लोग ने हिस्ट्री में स्टोन एज मैन के बारे में पढ़ा था, जैसे उन्होंने व्हील इन्वेंट किया, फायर इन्वेंट किया, वेपन्स क्रिएट करते थे स्टोन को शार्पन करके। सीरियसली बचपन की याद आ गई ये सब देख के। देन जैसे जैसे सिविलाइजेशन पे आ गए तो मुगल एम्परर्स, पेशवा, शिवाजी महाराज, इनकी सब स्टोरीज याद आने लगी। गाइस ये आपको देखना चाहिए क्योंकि हम लोग जो वेस्टर्न कल्चर एक्सेप्ट करते करते हम अपना बेस भूल रहे हैं। आज के जनरेशन के लोगों को ये सब बताना, ये सब जगह पे दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपना जो पास्ट है, जो बेस है, वो भूलते जा रहे हैं। और बहुत ही प्राउड फील होता है कि ऐसे कोई म्यूजियम्स है जहाँ पे अपने बेस लेवल के, पास्ट लेवल की चीज़ें अभी भी दिखा रहे हैं। तो आप श्योरली यहाँ पे आइए, जो नए जनरेशन है उनको ये रियलाइज़ करवाइए ताकि उनको और सीखने मिले और हम अपना पास्ट या अपना बेस कभी ना भूलें। थैंक यू।